Hello friends, welcome to my channel. I hope you all are doing great. So today I'm going to share with you pinwheel samosa recipe. चलिए देखते हैं क्या क्या ingredients हमको चाहिए इसके लिए. So यहाँ पे हमने 1 cup मैदा लिया है, 2 से 3 हमने potatoes लिए हैं, इनको हमने boil करके अच्छे से mash कर लिया है. यहाँ पे हमने chopped onion लिया है, coriander leaves को भी हमने chop कर लिया है, छोटी सी green chili को भी हमने finely chop कर लिया है. ड्राइड स्पाइसेस में हमको चाहिए ये गरम मसाला है 1/4 टीस्पून, ये हमने लिया है 1/4 से थोड़ा सा कम रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, पिंच ऑफ क्यूमिन पाउडर एंड थोड़ा सा काला नमक. यहाँ पे हमने 1/4 टीस्पून सॉल्ट लिया है, ये हम अपनी मैदा के अंदर ऐड करेंगे क्योंकि अभी इसका हमको डो बनाना है. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना. इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून ऑयल यूज करेंगे. एंड 1/4 कप हम वाटर यूज करेंगे इसका डो बनाने के लिए. इसको थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे और डो बनाएंगे. इसके अंदर हम सॉल्ट भी ऐड कर लेते हैं. सो फ्रेंड्स, ये डो हमारा बनके तैयार है. बिल्कुल जैसे हम समोसे के लिए डो बनाते हैं वैसे ही इसके लिए भी हमको डो बनाना है. और अब इसको हम कवर करके रख देंगे 5 to 6 मिनट रेस्ट करने के लिए. सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, हमारा डो बन गया है और हम उसको रेस्ट के लिए रख देते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टेप, जिसके अंदर अपना मसाला रेडी कर लेते हैं. तो इसके अंदर हम अब एक एक करके चीज़ें ऐड करेंगे. तो हम 2 टेबल स्पून इसके अंदर चॉप्ड अनियन यूज़ करेंगे. चलिए इसके अंदर चॉप धनिया भी डाल देते हैं, हरा धनिया, ये भी 2 टेबल स्पून ही ऐड करेंगे. ग्रीन चिली चॉप्ड. चलिए फ्रेंड्स, इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस भी ऐड कर देते हैं, काला नमक, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, चाट मसाला एंड ये क्यूमिन पाउडर. इन सबको अच्छे से हम डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं. सो फ्रेंड्स, सॉल्ट एंड जो चिली है वो हमेशा अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आप ऐड कीजिए. हम उसको कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा. तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. सो फ्रेंड्स, हमारा मसाला रेडी हो गया है. अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं. और ये जो मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है इसका हम एक घोल बना लेते हैं. तो 2 टेबलस्पून हमने मैदा लिया है और उतना ही हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे. धीरे धीरे इसको ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे. अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी डील्स ना रहे और ये स्मूथ एक पेस्ट हो जाए. सो देखिए फ्रेंड्स, ये जो घोल है ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है. आप इसको विस्कर की सहायता से भी विस्क कर सकते हैं तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा. इसमें कोई लम्स नहीं है और मुझे जैसी कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए बिल्कुल वैसा ही रेडी हुआ है. चलिए इसको हम मूव कर देते हैं. चलिए फ्रेंड, हमारा घोल रेडी हो चुका है. चलिए अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं. हमारा डो ऑलरेडी रेस्ट कर चुका है, इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं.
मैं इसके टू पार्ट्स कर लेती हूँ। इसको हम थोड़ा सा डस्टिंग कर लेते हैं और इसको हम अच्छे से बेल लेते हैं। इसको अच्छे से हम बेल लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये हमने अच्छे से इसको फ्लैट कर लिया है डो को। अब इसके ऊपर हम अपना ये जो हमने मसाला रेडी किया है इसको भी लगा देते हैं और इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। सो इस मसाले को हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। और मसाला ऐड कर देते हैं क्योंकि हमको बिल्कुल इसके अंदर सारे में मसाला फैलाना होगा अच्छे से, ताकि वो प्लेन ना रहे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि इस पे हमने सब पे मसाला ऑलरेडी स्प्रेड कर दिया है अच्छे से, अब इसको हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऐसे रोल करेंगे। बहुत ही स्मूथली ये रोल हो जाएगा। इसको अच्छे से हम रोल कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। चलिए अब इसको छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने सभी को अच्छे से पीसेस में चॉप कर लिया है। अब इनको अलग अलग कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इनको थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने सभी को बना के रख लिया है। अब हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमने इसका घोल बनाया था इसको थोड़ा अच्छे से एक बार ही हम मिक्स कर लेते हैं ताकि पानी और वो अच्छे से मिक्स हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये मैंने मिक्स कर लिया है और मैंने गैस को ऑन कर दिया है। इसको हमको मीडियम हीट पर गरम करना है, ज़्यादा हमको गरम नहीं करना है। बहुत ज़्यादा अगर हीट होगा इसका ऑयल का तो ये बर्न हो जाएंगे। हमको स्लोली स्लोली इसको पकाना है ताकि वो धीरे धीरे पूरा अच्छे से पके। तो चलिए, मेरा ऑयल जब तक गरम होता है तब तक मैं इनको यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, ऑयल हमारा ऑलरेडी गरम हो चुका है। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं और हम एक ये पीस उठाएंगे, इसको डिप करेंगे। और इसको हम इस ऑयल में छोड़ देंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे।
चलिए फ्रेंड्स देखिए इनका कलर ऑलमोस्ट चेंज हो गया है, देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसी तरह से हम सबको अच्छे से चेक कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं, देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आया है। चलिए इनको निकाल लेते हैं, गैस को ऑफ कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स अपने पीन मिल समोसा को हम सर्व कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा पिनव्हील समोसा बनके तैयार है एंड आई कैन टेल यू बहुत ही यम्मी खुशबू आ रही है, मैं वेट ही नहीं कर पा रही हूँ इसको खाने के लिए। तो आप भी इसे बनाएं खाएं और आपके एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन। कीप स्माइलिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।